अभी कभी ये कैमरे के सामने खड़े हो तो बाएं तरफ तेरहवां बाल इसका खराब हो जाता था दाहिनी तरफ का चौदहवां बाल इधर उधर चला जाता था <laughs> आज ललन टॉप में जब हम आ रहे थे तो मैंने कहा अच्छे से इनको पैकिंग वैकिंग करके लिफाफे में डाल के मैंने कहा अच्छे से पैकिंग करके ले चलो ललन टॉप पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए लिखेजिए उधर का इंटरव्यू यहाँ आ रहा है ओके <laughs> okay, <good> <laughs> स्वागत है आपका आज हमारे साथ सिनेमा अड्डा में जुड़े हैं प्रकाश झा और ईशा गुप्ता इनकी जो सीरीज आ रही है एम एक्स प्लेयर पर ऑफकोर्स आश्रम के बारे में बात करेंगे हम सीरीज के बारे में बात करेंगे बट इनकी लाइफ इनके बाकी काम बहुत सारी बातें होने वाली है तो जुड़े रहिए हमसे वेलकम आपका स्वागत है ललन टॉप में थैंक यू हम आपको बता दूं इंटरव्यू से पहले भी हमारी काफी बातें हुई है एंड देर आर वेरी हिलेरियस लॉट आपको भी पता लगेगा धीरे धीरे आपको एहसास होगा इस बात का तो पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ जो प्रकाश झा जुड़े हैं इन्होंने बहुत काम किया एंड आई डोंट मीन एज अ डायरेक्टर ऑल्सो येस प्रोड्यूसर इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है इलेक्शंस कंटेस्ट कर चुके हैं ये तीन बार बिहार से है वहां पर एक जगह है जहां से वो हेल करते हैं वहां पर इलेक्शन भी कर चुके हैं ही ओन्स मॉल्स दो मॉल्स हैं इनके मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ साथ साथ एक इंस्टीट्यूट एक है जो ये रन करते हैं अपनी जो बिहार से वो है वहाँ पे उन लोगों के लिए उनकी एडवांसमेंट के लिए तो उसके बारे में भी बात करेंगे और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है दोनों अपनी एजुकेशन जिस कॉलेज में वो जा रहे थे वहाँ से उन्होंने ड्रॉप आउट किया वहाँ से शुरू करते हैं आप फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहे थे फिर आपने ड्रॉप आउट किया दूसरी बार एफ से आपने ड्रॉप आउट किया आप लॉ की पढ़ाई कर रही थी How? पूरा स्विच होके आप इस लाइन में कैसे फिजिक्स फिजिक्स की पढ़ाई में कर रहा था लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं करना नहीं चाहता हूं क्या करना चाहता था ये मुझे पता नहीं था तो पहले वहां से छोड़ करके घर वालों को समझा बुझा करके मुंबई चला गया। गया तो था मैं पेंटिंग करने पेंटिंग करने के लिए जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए दाखिले के लिए मैंने कोशिश करनी शुरू की तो उस दरमियाँ एक दिन एक्सीडेंटली वो लंबी कहानी है कैसे एक फिल्म शूटिंग देखने चला गया और समझ में आ गया कि यही करना है तो जिनका मैं असिस्टेंट बना था वहाँ चार पाँच दिन में समझ में आ गया कि ये अगर असिस्टेंट बना रहा है इनका तो बारह तेरह साल तक कुछ कर नहीं पाऊंगा आपको पाँच रुपये मिलते थे पर डे हाँ पाँच पाँच रुपये मिलते थे उस समय में तो फिर मैं पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में जाके मैंने पता किया और एक ही कोर्स था फिल्म एडिटिंग का जिसमें मैं क्वालिफाइड था क्योंकि बाकी सब में ग्रेजुएशन चाहिए था और मेरे पास आठ नौ महीने थे जिसमें पैसे जमा करता क्योंकि मैं घर से पैसे लेता नहीं था तो उतने ही पैसे जमा हो पाए जिसमें कि एक साल की पढ़ाई कर सकूँ इसलिए एक साल के बाद छोड़ दिया फिर ऐसा ही कुछ हुआ और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और डायरेक्टर के बीच में काफ़ी चीज़ें हुई थी एफटीआईआई में जिसकी वजह से आप वापस बॉम्बे आ गए और हाँ, फिर आप वापस कभी नहीं।, नहीं वो डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट थे गरी करनाड़ थे तो और हमारे एक्टर ग्रुप था नसीरुद्दीन शाह बहुत ओमपुरी और बहुत बहुत टॉम ये सारे लोग थे इन लो ने स्ट्राइक कर दिया था हम हम तो इंस्टीट्यूट बंद हो गया इसलिए चले आए आकर के काम ढूंढना शुरू कर दिया उसके बाद काम मिल गया तो फिर गए नहीं वापस वहीं से फिर ये हो गया। जब आप आई में थे काफी स्टेलार कहते ना, वैसा बैच था डेविड धवन रेनू सलूजा केतन मेहता कुंदन शाह में विनोद प्रधानमैन कैमरामैन राकेश रंजन साउंड नसीरुद्दीन शाह ओम पुरी मतलब ये कमाल का ग्रुप था और उनके पीछे मैं भी था कुछ कम कमाल का नहीं होता <laughs> और आप एक्चुअली आपको लॉ की स्कॉलरशिप मिली थी जी और फिर हाउ डिड इट हैपन दैट यू गॉट इनटू पहले मॉडलिंग से शुरुआत हुई फिर यू वन यू नो द नहीं एक्चुअली नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से का, कानून के इंस्टीट्यूशन को बचाया हमने कि इनको कानून नहीं पढ़ने दिया बहुत मुश्किल आ, से बचाया सर अगर बन जाती सारे केसेस जीतती अरे मैं कोई सबूत नहीं रखती सामने कुछ नहीं करती मैं बस वहाँ पे बोलती सर योर ऑनर आई थिंक राइट नहीं बट मैंने पहले, पहले मैं एक्चुअली मिस इंडिया के लिए गई थी आ, जैसे ज़्यादातर छोटे शहरों में होता है Um, जब लेडीज़ देखती है टीवी पे हर एक के घर में टीवी नहीं होता मिस इंडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है मिस इंडिया मिस वर्ल्ड ऐसे मेरी मदर का हमेशा शौक था कि मेरी अगर बेटी होगी वो मिस इंडिया के लिए जाएगी दो मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत खूबसूरत है नेहा नेहा बट उनके उनका कद थोड़ा छोटा रह गया तो और मैं एकदम ही टॉम बॉयस थी तो मम्मी ने बोला नहीं तू जा एक बार कोशिश कर कोशिश कर वो कहते हैं ना जो आपके लिए लिखा है वो होना ही है बिना कोशिश के बिना वो किए मैं अपने आप को थोड़ा मुझ में तो एरोस था जो मैं एक्सेप्ट कर लिया था मैंने बहुत बाद में कि मुझ में उस टाइम पे एरोगेंस था क्योंकि मैं इतना तोज्जा नहीं देती थी मिस इंडिया को कि कोई मुझे मेरे लुक्स पे जज करेगा हाइट पे जज करेगा मैं कैसे चल रही मुझे समझ में नहीं आता था कि एक सेट पैटर्न होता है आपको आपका दिमाग भी बोलता है कि अगर कोई आपको ये सवाल पूछेगा आप ऐसे ही आंसर दीजिए कि सबसे बड़ी दुनिया की भक्त और सबसे अच्छे हम ही हैं तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बट जो लिखा होता है इट्स मेंट टू बी वेलकम योर वे एंड आई बिकेम मिस इंटरनेशनल उसके बाद मैं एक्चुअली अपनी पढ़ाई करने गई आगे क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी माँ बाप ने सिंपल कहा था बेटा जहाँ स्कॉलरशिप मिलती है कर लो हमारे पास तो पैसा है नहीं कि अगर हम लोन कर भी पाए कि हम यू नो वी बी एबल टिकॉज माई फादर वॉज इन दी एयोर्स मदर वॉज अ हाउस वाइफ भी कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल यू नो मिडिल क्लास फैमिली स्कॉलरशिप मिला सब अच्छा हुआ बट ड्रॉप आउट एक्चुअली इसलिए हुआ मेरी मदर को 2010 में कैंसर हो गया था एंड वो हमारी फैमिली के लिए इट वाज अ बैड टाइम बिकॉज एक साल पूरा ऑला फाइनेंस एवरी थिंग वॉज जस्ट गोइंग इन टू गेटिंग हर ट्रीटेड उस दरमियान मैं दिल्ली आ गई थी कि यू नो टू बी विद माई फैमिली एंड तभी मॉडलिंग uh, शुरू की मैंने बिकॉज़ यू नीड पॉकेट मनी जब आप घूम रहे हैं दिल्ली में आप हैं कमाएंगे कहाँ से पढ़ाई कर नहीं रहे तो पाँच पाँच हज़ार शो के मिलते थे दस दस हज़ार शूट भी किए मैंने यू नो फॉर ब्रैंड शूट एंड आई वॉज लाइक अच्छे अच्छे कुछ तो पैसे कमा रहे हैं उसी टाइम पे देवर दीज टू पीपल वन वॉज अतुल का स्पीकर किंग फिशर कैलेंडर एंड अनदर पर्सन एंड देवर लाइक अरे एक चीज़ होती है बॉलीवुड में बोलता है कमर्शियल फेस जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया बट वो बोलता है कमर्शियल फेस कि आपका बहुत कमर्शियल फेस है तो आप एक्टिंग ट्राई करिए और फिर मैं, मैं मुंबई शिफ्ट हुई मैंने अनुपम खेर अकैडमी से एक्टर्स प्रिपे से तीन महीने वाला जो कोर्स होता है वो किया आई गेव माई ऑडिशन एंड वेल रेस्ट इज नाउ इट्स

ऋषिकेश मुखर्जी वॉज दी चेयरपर्सन ऑफ द फिल्म एडवाइजरी बोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच यूज टू अप्रूव डॉक्यूमेंट्रीज एंड ही वॉज वेरी मूव्ड आफ्टर ही सॉ द फिल्मी रिलीज द फिल्म ऑल ओवर इंडिया उस समय डॉक्यूमेंट्रीज आती थी एंड ऑन दर्ड डे इट वॉज बैंड बैंड बिकॉज उसमें एक बिहार गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा उनकी थोड़ी

भी होता है अपने यू गेट इमेजेस सर्टेन थिंग्स यू नो एंड इट वाज अ फिल्म विच डेल्ट विद द वॉइस पीपल जो हादसा हो जाता है क्योंकि अभी कहीं हादसा हो जाए किसी का घर जला दिया जाए किसी के लोग मार दिए जाए और तब आप वहाँ पहुँचें और तब उन चेहरों को देखें और उन, उन चे, उनकी उन चेहरों में कितनी सारी कहानियाँ होती हैं तो उसी उसी के बारे में ये फिल्म थी कि आंधी तो चली गई उसके बाद चेहरे कैसे बच गए ये 1984 की बात है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लेट हो नो ये डॉक्यूमेंट्री तो 1982 की है द नेशनल अवार्ड या ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ज़्यादा एंड सिमिलर सिचुएशन हैपेंस आज भी आपको लगता है आज के वक्त में आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना पाते बनाते ही है क्यों नहीं बना पाते बना ही रहे हैं जो कहना है वो कह ही रहे हैं नेगोशिएट करना पड़ता है हर समय से नेगोशिएट करना पड़ता है और एक अलग उस वक़्त से चले आज भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप ऐसा सोचते हो कि आप बनाना चाहते हो मैं करता ही हूं <laughs> ये आश्रम ही कर रहा हूँ आश्रम सबके इच्छा की बात थोड़ी है जो कई लोग नकारात्मक रूप से भी देखते हैं इसको देखते हैं आपके डेब्यू की बात करते हैं जन्ना टू से आपका डेब्यू हुआ तो आपने ऑडिशन किया था उस रोल के लिए कैसे हुआ वो रोल ऑडिशन um, किया था ये फ़िल्म एक्चुअली ऑलरेडी किसी और एक्ट्रेस के लिए लॉक्ड हुई हुई थी बट आई डोंट नो मैं कहना नहीं चाहूँगी कि क्या रीज़न थे बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स यू नो महेश सर ने एक्चुअली मुकेश uh, सर ने सॉरी वो डिसीजन लिया था महेश सर से मैं मिली कुणाल देशमुख से मिली एंड मुकेश जी आए एंड मुकेश जी ने बोला बेटा आके दो दिन बाद ऑडिशन दो और एक हफ्ते बाद उन्होंने कॉल किया कि हम आपको ले रहे हो उस मूवी के लिए आप थोड़ा सड़क था मेरे लिए क्योंकि वो एक आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक मीटिंग करेंगे पहला ऑडिशन देंगे और दस दिन ग्यारह दिन के अंदर आप एक फिल्म सेट पर पहुँचे हुए होंगे बट थैंक्स टू मुकेश जी की uh, फिल्म में उन्होंने मुझे लिया

तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे बैक करे प्रोडक्शन या डायरेक्शन के लिए स्क्रिप्ट आप कैसे डिसाइड करते हो क्राइटेरिया क्या होता है <laughs> आपका <laughs> सच बताओ पहले तो ये इस बेसिस पे डिसाइड करती थी जब नए नए आए थे हे एक्टर कौन है ये देखिए क्योंकि तब तो पता नहीं था ज्यादा फिर बीच में वो दौरान आया कि पैसा कितना मिल रहा है रोल क्या है अभी भी है बिटवीन द लाइंस पैसा तो देखिए हर एक हर कोई कमाने के लिए करता है बट अब ये हो गया है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ इंडिया में कंटेंट वो जो रटी रटाई एक थ्योरी चल रही थी ना उससे टूट कर लोग आ रहे हैं तो आपको जब पता है नाउ इट्स मोर कॉन्टेंट ड्रिवर ड्रिवन ऑफ कोर्स प्रकाश सर के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूं आश्रम सबने देखा है जी पैसे नहीं मांगे मेरे से <laughs> चक्रव्यू के लिए नहीं इसके लिए आश्रम में मांगे मिले नहीं इसलिए चुप बैठी हो अभी तक <laughs> नहीं बट आपको जब देखिए दूसरे का पैसा बर्बाद कर दे या? <laughs> <laughs> इनकी जो ये है कमराडरी इज ब्यूटीफुल जी <laughs> <laughs> बट इसके पैसे देते ना आप मुझे आपकी तारीफ कर रही हूं मैं यहां पे मगर सच बताऊं मुझे जबी मैंने really जब मैंने शो देखा लॉकडाउन में आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो जब एंड वो एक बस मगर तो तब पता नहीं था कि इसका अगला क्या बन रहा है कोई नया कैरेक्टर आ भी सकता है जब कॉल आया किस फॉर तो दिस कास्टिंग तो डायरेक्टर थी उन्होंने सेम उन्होंने ही कास्टिंग की थी मेरी चक्र के लिए सो वेट शी टोल मी इट्स फॉर दिस शो एंड प्रकाश सर मैंने बोला ऑब्वियसली लाइक मैंने वो तो मतलब बिना सोचे समझे इट्स नो ब्रेनर और आप हाँ करना ही है नॉट ओनली बिकॉज हिट गया है बट बिकॉज एज एन ऑडियंस आई हैव सैट एंड वॉच दैट शो विथ माई फैमिली आई फील अगर मैं कोई भी शो अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकती हूँ एंड हम सब मेच्योर है एक एज के बाद सब डिस्कस करते हैं फैमिली में अगर आप ऐसा एक जो शो मुझे पता है कि माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक इंटेलिजेंट शोज क्योंकि यू you नो know, देश में क्या हो रहा है सबको पता है तो अगर दे आर इन्ग इट आई लाइक दिस इज अ शो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सो इट वाज एंड आई रियली फॉट फॉर दिस शो दिस रोल बिकॉज बीच में दे वाज यू नो दे हैड लॉक्ड अनदर एक्ट्रेस एज वेल बात हो रही थी या तो वो या तो मैं मगर मैं तो रोज सर को मैं दिन और रात तंग करती थी सर चाहे इंडिया में हो लंडन में पटना में आई एम लाइक सर क्या हो रहा है सर मैं कर रही हूँ सर डेट्स क्या है सर क्या है सर आई एम डूइंग इट तो बट मैंने इनका मतलब

अब ये अदृश्य थी और ये इन्होंने देखा ये हो क्या रहा है तो मतलब जबरदस्ती ये तीसरे में उतर आई क्योंकि बॉबी देवल के अंदर का भगवान निकालना था इनको वहाँ पर ओके तो ये वहां से निकल आई और आकर के उसके बाद फिर स्थापित हो गई सही बात ये है और अब ये तीसरा जो है आश्रम का ये थर्ड पार्ट जो आ रहा है पर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं आपका डेब्यू था ये डिजिटल डेब्यू ओटीटी पर तो ये कॉन्सेप्चलाइज कैसे किया और आपका प्रोसेस क्या था मैंने कॉन्सेप्टलाइज नहीं किया बिल्कुल एम एक्सप्ले एम एक्सप्लेयर जो है वो हमारे पास आए पूरी लिखी हुई कहानी अभी फैजल की थी पचास साठ पन्ने की जो मैंने पढ़ी वो चाहते थे मैं इसको बनाऊं मैंने अपना समय लिया सोचा इसके बारे में और कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही पब्लिक डोमेन में सारी कुकृतियाँ हैं हमारे जो धर्म है अध्यात्म है संस्कृति है उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे रोज़ नए नए बाबा निकल के आ जाते हैं अभी हाल में बहुत सा एक वायरल हो गए हैं बाबा जो मतलब यंग कुछ बहुत बड़े यंग से बाबा हैं अभी उनके भी वीडियोज़ चल रहे हैं आजकल जो जो कहते हैं ऐसे फिर से मेरा पैर छू फिर से मेरा पैर छू वो वो हैं ऐसे बाबा और एक वो बाबा हैं जो कह रहे कह रहे थे भी पिछले दिनों तक कुछ नहीं बेलपत्र में शहद लगा करके और शिवलिंग को टच कर दो तुम्हारा बच्चा पास कर जाए ख़ुद का बच्चा फेल कर गया तो ये बाबा हमारे लोग आपस में रोज़ पैदा होते रहते हैं तो ये कहानी तो थी बट जो इसकी डायनेमिक्स है ना वो सडनली मुझे नज़र आने लगी कि क्यों ऐसा होता है तो एक्चुअली गलती बाबाओं की नहीं है गलती है हम लोगों की हमारी। है हमारी गलती है कि हम उनको मान देते हैं सम्मान देते हैं क्योंकि हम क्या हैं हम चाहते हैं कि जल्दी से हमको मिल जाए कुछ हमारी रक्षा हो जाए हमको सफलता मिल जाए हमारे काम बन जाए बिगड़े हुए हम चाहते हैं सब हो जाए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कोई बंदा कहता है मैं करवा देता हूँ मैं तुम्हें देता हूँ हाँ। चिंता मत करो बाब बाबा कर देगा सब तुम्हारा तो हम मेहनत नहीं करना चाहते हमारी कोई निष्ठा है नहीं धर्म के प्रति और खड़े हो जाते हैं कि हम हिंदू धर्म में अरे यार हिंदू धर्म तो बहुत बड़ा सनातन धर्म है और एक बात अच्छे से जान लो आदमी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता धर्म आदमी की रक्षा करता है क्या खूब कहा कहा है आपने, है? और आपने और इतने पॉलिटिशियन के साथ प्रमोट करने जा रहे हैं तो आपकी जो फिल्म बाबाओं को हमने देखा है ना आ, हाँ और अभी तक रंग रूप तो देख चुके हैं सब तो इंस्पिरेशन यहीं से फिर। इंस्पिरेशन की क्या बात है ये तो मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेशन का कोई विकृत शब्द बताओ okay. डिस्पिरेशन? कहीं पे हाँ। बट जैसे आपके इस सीजन में पांच राइटर्स थे तो जब इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप कैसे काम करते हो कि पांच अलग लोग हैं बट फिर भी थीम आइडिया एक ही है वो टीम होती है क्या होता है स्ट्रक्चरिंग करता हूँ स्ट्रक्चरिंग करके रिसर्च करते हैं कुछ कहीं से लेके आते हैं कोई कि, कि, वो सारी चीजें मिलती हैं सर तो लिखता तो एक ही आदमी है लेकिन एक टीम काम करती है तो सबको क्रेडिट तो मिलता ही है ना हाँ जैसे माधवी भट्ट है अविनाश कुमार संजय मासूम तेजपाल सिंह रावत और कुलदीप रोहित आपने साथ में काम किया चक्रव्यूह में फिर वहाँ फिर से आपकी मुलाकात हुई इस प्रोजेक्ट में व्हाट वाज इट लाइक तब से लेके अब तक इतना टाइम गुजरा फिर आप मिले सेट्स पे कैसा रहा कमाल ही था नॉर्मल तब भी कमाल था अभी कमाल है <laughs> इस बार मैं सर को थोड़ा तंग कर पाई क्योंकि इस बार सर के साथ फेमिलरिटी थी मेरे तरफ से था कि फेमिलरिटी थी तो ऐसा लग रहा था इट्स इट फील्स लाइक होम जब आपका कोई अपना होता है

अभी कभी ये कैमरे के सामने खड़े हो तो बाएं तरफ तेरहवा खराब हो जाता था तरफ का हुआ बाल इधर उधर चला जाता था। अब उसके बाद उसको करने के लिए ठीक करने के लिए तीन आदमी इधर से दौड़ते थे अभी क्या कि मतलब भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति में सब चलता है नहीं लेकिन समझ लो पता लग रहा है सर हम बालों की बात कर रहे इतना सब झेल झेल कर इतने सालों से इतना सा� नहीं, नहीं हमारे को स्ट्रेस का क्या मतलब like uh, आपका जो इन्होंने कहा कि ठीक है आप पहले दो सीजन में भी थे बट अब यहाँ पर हो बट हमारे लिए इट्स न्यू कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हो रहा है इस आश्रम थ्री में तो आपके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया सोनिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोडक्शन हुआ है आम, इस सीजन थ्री में पहले आ चुकी थी हाँ. <laughs> इस इशारे का क्या मतलब हुआ नहीं नहीं जितना बोल सकती बस की क... पहले नहीं? आ चुकी थी आ, पहले दो सीजन में मगर दिख रही है प्रकट हुई है सीजन थ्री में जैसे सर ने कहा मैं आपको बता दू and... इनका कैरेक्टर क्या है इनका कैरेक्टर देखिए मैं समझा देता हूँ <laughs> बाबा बड़ा हो रहा है बाबा की भूख बड़ी हो रही है और उसको उसकी क्षमता बताने के लिए एक ग्लोबल ब्रांड का आना जरूरी है, है ना? तो हिंदुस्तान से बाहर निकल करके ग्लोबल ब्रांड से आएगा आप सहमति में हो आप कुछ और बताना चाहते हो बस सोनिया बाबा को के जाल में फंस भी रही है फंसा भी रही है दोनों चीजें हो रहा है समझ में नहीं आ रहा तो वो आप देखिए वो ऑडियंस को पता चलेगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कहाँ से कैसे आती है भोपास और आश्रम में और बाबा निराला की लाइफ में और क्या क्या करती है इट्स इट्स इंटरेस्टिंग और जो सीजन वन जब आया था अगस्त 2020 में और फिर उसके तीन महीने बाद ही नवंबर में दूसरा बार आप इतनी जल्दी कैसे आज हम देखते हैं सालों साल हमें वेट करना पड़ता है हम तरसते रहते कब आएगा सीजन टू आपने इतनी जल्दी दोनों को रिलीज किया साथ में तीन के पहले चार ले आए हम आप हमें उसके बारे में भी बताएं यहाँ पे खत्म होगी बात और आगे बढ़ेगी देखिए ऐसा है कहानी लंबी थी एक साथ हम रिलीज कर नहीं पाते तो हमने दो हिस्से में बांट दिया उसको और फिर कोरोना की वजह से ये डिले हो गया कोरोना की वजह से भी तैयारी करते लिखते और कोरोना में डिले नहीं हुआ हमने कोरोना टाइम में शूट किया इसको जब थोड़े से हालात सही हुए और थोड़ा रिलैक्स हुआ लेकिन हम लोगों ने बड़ा सब सारे जितने 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 भी 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 थे 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 क्रू मेंबर्स सबकी सबकी डबल होने के 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 बाद बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद, जितने भी क्राउड लोग आते होती थी और पूरा एक सबका चेकअप चेकअप होता रहता था हमारे में थे हम एक्टर्स ग्रैंड सेट्स yeah. हैं आपके और सीजन uh, थ्री में भी नाइन एपिसोड होंगे पहले दो में भी नौ और इसके बाद फोर फाइव कुछ आपने इस कहानी सोची है होगा आएगा कैसी एक्सपेक्टेशंस रखे हम अभी बाबा जाने मन की बात है ओके ये तो बाबा ही बताएगा <laughs> वो मैं सर को अभी पैसे खिला रही हूँ देखिए देव काफ़ी बाबा है तो काफ़ी लेडीज़ भी है, ऐसी देवियाँ तो सर अब बस बाबा निराला के बाद फोर्थ सीजन उन्हीं पे बन रहा है देवियों पे जो करती है हाँ सर हम ये क्लू लें कि आप ऑफिशियल <laughs> कंफर्मेशन <ने> <laughs> नहीं दे रहे बट एज एज अ व्यूअर हम में सोचने में क्या है <laughs> वैसे सबकी इमेजिनेशन का, काफी अलग हाँ. अलग दिशाओं में डेफिनेटली जाएगी आश्रम के अलावा आप किस चीज पर काम कर रहे हो फिलहाल um... वेब सीरीज हैं दो हमने कमिट किया हुआ जिसके ऊपर काम हो रहा है एक नरसिम राव जी की जीवनी पर है हाफ लाइन वो काम हो रहा है एक और भी वेब सीरीज है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ लेकिन काम हो रहा है फीचर फिल्म में उस पर काम हो रहा है और आपकी सारी जो फिल्मोग्राफी रही है ज़्यादातर एक जो थीम रहा है जैसे कास्ट है पॉलिटिक्स है और जैसे आप बिहार से बिलोंग करते तो बहुत सारा वो भी देखने को मिलता है आपके सारे काम में आपको लगता है आप उसी पर आपका वही फोकस रहता है आप उसी पर फिक्स रहते हो सब्जेक्ट वाइज मैं समाज पे फिक्स रहता हूँ कि हम जब समाज क्या है समूह है हम अकेले भी रहते हैं और हम सबके साथ भी रहते हैं और हमारे रहने आ, के तरीकों को निर्धारित करता है जो जो भी आ, आ, मतलब बड़े स्तर पे जो भी बदलाव आते हैं है। जो एक कई परिवर्तन होता है समय की वजह से अध्ययन की वजह से इकोनॉमी की वजह से आ, सामाजिक भेद मतभेद की वजह से तो मेरी कोशिश होती है कि जो कहानियां रोज बनती हैं उन कहानियों के पीछे बात क्या है उसको दर्शाना तो वो समझने की कोशिश करता हूँ समझने कि उस प्रोसेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत सारी कहानियां निकल के आ जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं अब जैसे मैं आपसे पूछूं अभी कि ऐसा कैसे है कि लगभग पूरे विश्व में इस वक्त एक मज़बूत वर्शिप वाले कैरेक्टर्स की कहानी शुरू हो गई है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो फिलीपींस हो चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो चाहे वो रूस हो चाहे वो स्वीडन uh, हो चाहे वो पोलैंड हो चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो यूके हो चाहे यूएस हो एक ही समय में कैसे ऐसा होने लगा है तो यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन मानवीय इतिहास में चल रहा है तो मेरा दिमाग चलने लगता है कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है क्या बात है कुछ नई चीज होने वाली है क्या तो उसमें बहुत सारी कहानियां निकल के आ जाती हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि फेल कर रहा है चारों तरफ कैसे हो रहा है तो मैं ऐसी बातें सोचता हूँ थोड़ा आप क्या पढ़ते हैं या क्या मूवी सीरीज देखते हैं जिससे फिर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है ऐसे कोई ऐसा कोई खास करके कोई चीज नहीं पढ़ता हूँ लेकिन हर वक्त न्यूज़पेपर कोशिश करता हूँ कि जो हो रहा है उसे अपने आप को अवगत रखू आप हमें बताएं आने वाले आश्रम के अलावा और क्या काम है कहाँ हम आपको देख पाएंगे फीचर सीरीज है फीचर मूवी तो उसकी अभी आई थिंक ट्वेंटी डेज में चले जाएंगे कार्डिफ वहाँ पे शूट है इट्स 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 अ साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग समथिंग डिफरेंट आई हैव नॉट डन दैट रोल सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी और जैसे आपने पहले बताया कि एक दशक हो चुका है तो जब आप स्टार्ट कर रही थी आप ऑब्वियसली जब कोई नया आता है तो इतने ड्रीम्स एम्बिशंस होप्स होते हैं तो आपको लगता है कि दिस टेन यर्स वो जस्टिस हो पाया है आई ऑनेस्टली फील उससे ज़्यादा हो पाया बिकॉज जब मेरी फ़र्स्ट जब मैं आई थी एज एन एक्टर आई डिंट नो कि मैं एक्टिंग कंटिन्यू करूँगी, मैं तुक्का ले रही थी कि वो होता है ना बेटिंग ऑन योर सेल्फ कि अच्छा मिल गई एक फिल्म देखते हैं तब तक मेरे हाथ में थी स्कॉलरशिप जिस सवाल से आपने पूछा था स्टार्टिंग स्थिर में तो चलो एक फिल्म करते देखते क्या होगा किस्मत में फिर वो दूसरी हुई तीसरी हुई दैट इज़ वन मतलब मैं स्टिल फिगर आउट कर रही थी कि मैं एक मैं एक्टर हूँ लाइफ में ये करना चाहती हूँ या कुछ और करना चाहती हूँ तो आई थिंक मेरे लिए इट्स मच मोर देन माई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई डिट नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग एंड मुड़के में देखती हूँ एम ओनली ग्रेटफुल यू नो एक एक छोटे से घर में रहती थी बॉम्बे में पहले वहाँ फिफ्टीन थाउजेंड होता था रेंट एंड आई डेंट हैव दैट मनी आई यूज़ टू बोरो फ्रॉम माई कज़न सिस्टर एंड जिया जी कि मैं मुझे पैसे दे दो तो मैं मम्मी पापा को नहीं बोल सकती अभी एंड से अब भगवान ने इतना दिया है तो ना you know, so सब पेमेंट हम हाँ मेरी हाँ पेमेंट नहीं क्लियर आ रहा आ रहा है सर शुगर फ्री आप बहुत ध्यान रखते हो सब होना चाहिए अरे अंडर द टेबल भिजवा रही हूँ बारे में मेरे पास कोई है ना मगर जैसे आपने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या कहते हैं क्योंकि आपने कॉन्शियसली वो बोल्ड इमेज प्रोजेक्ट की है अपने इंस्टाग्राम पर आपके जो फोटोज हैं या आपके जो रोल्स जैसे आप पिक करते हो कॉन्शियस डिसीजन है आपका देखिए कॉन्शियस डिसीजन नहीं है मगर लाइफ ऐसी है कि अगर अभी घर पे दिवाली फंक्शन होगा तो मैं आपको साड़ी में दिखूंगी क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं यूपी एंड पंजाब मिक्स तो हम लोग पहनते ही साड़ियाँ अब अगर मैं अपने मम्मी पापा एंड सिस्टर तीन लोगों के साथ गोवा जाऊंगी या मॉलिज जाऊंगी तो मैं बिकीनी में होंगी मुझे बस ये है कि मेरी लाइफ में एक तो पहली बात खैर किसी भी मर्द को किसी औरत को कुछ नहीं बोलना चाहिए मगर हम तब भी उस सोसाइटी से आते हैं कि अरे माँ बाप क्या कहेंगे माँ बाप आई थिंक मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैं सूट पहन के निकलूँगी बीच पर कि बेटा आप गर्मी हो रही है तो बिकीनी पहनो मेरे फादर वो ही उस टॅलिटी से आता है कि जाने से पहले मैं घर पे होती हूँ दिल्ली में पापा को दिखाती हूँ अच्छी लग रही पापा बोलते हैं हाँ, अच्छा तो, है, तो no अच्छा <laughs> लिफाफे में डाल के मैंने कहा अच्छे से पैकिंग करके चलो। ललन टॉप पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए और आप हमें ये भी बता रहे थे कि एक्चुअल जो शुद्ध बिहारी होती है वो कैसे बोली जाती है तो आप प्लीज सबसे कहें कि आप बिहारी में कहे कि हमें सब्सक्राइब करें, करें। ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करें हाँ लेकिन वो जो हमने फिल्मों में जो देखते हैं जिस तरह से उसकी आ, मे, मे, कैरिकेचर होती है उस तरह से कोई बिहार में बात नहीं करता बिहार में बहुत सीधे से बात करते हैं जैसे, कि जैसे, भाई जैसे, लोग आप ललन टॉप देखें जरूर देखें सुने समझें और आ, हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइए जय हो ऐसे बोलते हैं बिहार और क्या तो आपने हिंदी में बोला ये तो सर बोल रहे हैं है कि वैसे ही बोलते हैं बहुत सरल तरीके से वो जितनी भी आप कैरिकेचर देखती हैं ना वैसे कोई नहीं बिहार में बात करता हमें पता लग ला, जाएगा लालू, में आएंगे लालू प्रसाद जी भी घर में वैसे ही बात करते हैं लेकिन जब वो भाषण देने जाते हैं तो अचानक से जो है लालू प्रसाद जो है सो ऐसे खड़े होते हैं कि लगता है कि सबको वो ऐसे कोई नहीं बात करता ठीक है आपने लालन टॉप और लालन टॉप सिनेमा की बात की मैं आश्रम के बारे में बात कर लेती हूँ जून थर्ड को एम एक्स फ्लेयर पर आ रही है आश्रम 3। जरूर देखे, बॉबी भी है साथ में ईशा गुप्ता एक नए कैरेक्टर में है सोनिया तो देखे और हमें कॉमेंट्स में बताया आपको कैसी लगी और हम नहीं है उसमें आपने आपने तो सिर्फ एक ही मूवी में एक्ट किया आप और कहीं एक्ट करेंगे एक ही में सांड की आंख नहीं अरे वो भी तो प्रियंका जय जय गंगा और और एक्ट करोगे एक सोलो फिल्म मेरी आ रही है सितंबर में रिलीज हो रही है तो आप फिर से आके हमारे साथ इंटरव्यू कीजिएगा उस पर हंड्रेड परसेंट करेंगे फिर हम, <laughs> हम बैठकर विस्तार से बात करेंगे थैंक यू